हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरी गोटिया फैमिली में। गोटिया फैमिली इसलिए क्योंकि ये गोट है मैंने नाम रखा है प्यार से गोटिया फैमिली, ठीक है? तो मैं मिलवा देती हूँ आप सभी को। सबसे पहले बड़े बुजुर्ग से मिलवाती हूँ मैं, जो कि घर में सबसे बड़ी है अपनी ये। तो इनसे मिलिए। ये है गोटी देवी, सबकी मम्मी है ये। तो इनको प्यार से इनका नाम रखा गया है गोटी देवी, ठीक है? तो आप लोग मिल सकते हैं, ये मेरी गोटी देवी है। और ये इनकी छोटी बेटी गुंडू बाबू, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाश है इसीलिए इसको प्यार से गुंडू बाबू बोला जाता है, ठीक है? और आइए। और ये है मीठी। मीठी इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, चिल्लाएगी तो फिर किसी की नहीं सुनेगी, ठीक है? तो इसीलिए प्यार से इसका मीठी नाम रखा गया है। और ये है, ये देख सकते हैं, इनका नाम नहीं रखा गया है क्योंकि नाम ही नहीं मिल रहा है। कुछ प्यारा सा क्यूट सा नाम मिलेगा तो मैं रखूँगी, लेकिन प्यार से अभी मैं इनको खोसी बाबू बोलती हूँ। तो ये खोसी बाबू है मेरे। और ये है मेरी क्यूटी पाई, सबसे सुंदर यही है, ठीक है? सबसे सुंदर, बहुत अच्छा दिखती है ये, इसीलिए इसकी क्यूटी पाई नाम रखा गया है। और ये जो है नन्ही सी परी, इनका नाम है छोटी मीठी, क्योंकि ये बड़ी मीठी की तरह भाई भाई चिल्लाती रहती है, इसीलिए इसको प्यार से मैं छोटी मीठी बुलाती हूँ। और लास्ट में मैं मिलवाना चाहती हूँ आप सभी को, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। उनका अगर चेहरा ना देखूँ ना तो मेरी वीडियो ही नहीं बन पाती है। सबसे पहले मैं सूट के उठ के जाती हूँ तो सबसे पहले मैं उन्हीं से मिलती हूँ। तो ये है मेरे क्यूट हीरो, छोटे हीरो हैं ये। मेरे साथ डांस वीडियो भी बनाते हैं इंस्टा पे, मैंने इनके साथ बहुत सारे डांस वीडियोज भी बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, चेहरे पर मत जाइए, बहुत अच्छा डांस करते हैं, टैलेंट को समझिए भाई। बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, ठीक है? तो बस यही है ब्लॉग। और कमेंट में बताइएगा कि मेरी गोटिया फैमिली कैसी लगी आप लोगों को। बहुत ही प्यारे प्यारे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये लोग, इन्हों के साथ ज़्यादा मैं वक्त बिताती हूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरी गोटिया फैमिली कैसी लगी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। प्लीज़ आगे भी अपना साथ ऐसे ही बना के रखिएगा और हम लोग के साथ हमेशा रहिएगा। बोल दो बाबू, हमेशा रहिएगा हम लोग के साथ। थैंक यू, लव यू।